हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस और एज पर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर वन से देखिए क्या कह रहा है। राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। यहाँ देखिए दिया है 2 + √3x का पावर 10 और यहाँ दिया है 2 - √3x का पावर 10। इन दोनों के एक्सपेंशन में इसमें नंबर ऑफ टर्म 11 होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म 11 होंगे। तो इसमें देखिए सारे के सारे पॉजिटिव वाले टर्म आएंगे और इसमें देखिए अल्टरनेट एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से रहेगा। और इसमें जो भी टर्म आएंगे दोनों में सेम सेम ही आएंगे, बस ध्यान रखना है कि इसमें सारे पॉजिटिव होंगे और इसमें पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ देखो ये इवन प्लेस वाले सब करते जाएंगे, ठीक है। तो जो बच जाएंगे इसमें टर्म्स और इसमें भी टर्म्स वो सेम ही टर्म होंगे, ठीक है। तो इसमें 6 टर्म बचेंगे, इसमें भी 6 टर्म, लेकिन वो सेम सेम होंगे, है ना, लाइक टर्म होंगे, तो इसलिए उनको ऐड करने पे 6 ही टर्म आएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 6। या आप इसके लिए एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y का पावर n + x - y का पावर n, है ना, वेयर n इज इवन, पावर जो हो इवन हो, तब उस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, n/2 + 1, ये हो जाएगा, इतने टर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, 10/2 + 1, यानी कि 5 1, 6 टर्म्स हो गए, है ना जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x + x² का होल पावर 111। तो इसमें कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 पुट कर दो इसमें। यहाँ पर लिख सकते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट अंदर 1 - 3 × 1 + 1² का पावर 111। तो 1 - 3 + 1 का पावर 111 अंदर आ जाएगा, -1 का पावर 111, तो ऑड है पावर, तो इसलिए -1। समझ के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा यहाँ पर हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन क्या दिया है, द गिवन एक्सप्रेशन इज 1 - 3x + 3x² - x³ का पावर 8। अच्छा इसे आप देखो, ये अंदर ये 1 - x³ का फॉर्मूला ना दिख रहा, तो इसे आप लिख सकते हैं कि 1 - x² का पावर 24। तो जब पावर में 24 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल में 1 अधिक हो जाएगा, यानी कि 24 + 1 25 टर्म्स हो जाएंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राइट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मिडिल टर्म इसका निकालना है, तो पहले पता कर लेते कौन सा टर्म मिडिल होगा। चलिए तो देखते हैं मिडिल टर्म कौन सा होगा। पावर में इवन है तो ये एक ही मिडिल टर्म होगा, 10/2 + 1 टर्म आपका मिडिल होगा, यानी 5 + 1 सिक्स्थ टर्म मिडिल होगा, सिक्स्थ टर्म यहाँ पर मिडिल टर्म होगा। तो सिक्स्थ टर्म निकाल देते हैं, यानी कि हो जाएगा t5 + 1, क्या हो जाएगा 10c5 हो जाएगा 2x² / 3 का पावर 10 - 5 एंड 3/2x² का पावर 5। 10c5 10 का फैक्टोरियल, y में 5 का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा 10 - 5 का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए इसको देखा जाए तो हो जाएगा 2x² / 3 का पावर 5 और यहाँ पे है 3/2x² का पावर 5। तो देखो ऊपर नीचे टर्म सेम है और पावर में भी सेम ही है, तो कट जाएंगे, हट जाएगा। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल और बाई में यहाँ पे देखिए एक 5 का फैक्टोरियल 120 और एक 5 का फैक्टोरियल ऐसे ही, ये सेकेंड से 10 से 10 6 × 2 = 12 और 2 से काट देते हैं 8 को 4 टाइम्स में, तो जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 252, यहाँ से ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही आपका मिडिल टर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। पूछ रहा है कि इसमें इसका कौन सा टर्म, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन विच इन द एक्सपेंशन ऑफ, कौन सा टर्म एक्स इंडिपेंडेंट। तो हम लोग ऐसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं, क्या होगा 9 CR x का पावर 9 - R - 1 का पावर R
और 1/3x² का पावर r। 9cr x का पावर 9 माइनस आर माइनस 1 का पावर r, 1/3 का पावर r और x का पावर 2r। 9cr माइनस 1 का पावर r बाई में यहाँ 3 का पावर r इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3r, सब्ट्रैक्ट हो गया पावर डिवाइड में। तो चलिए, तो अब क्या लिखते हैं, ये जनरल टर्म हम लिखते हैं बाई इक्वेटिंग एक्स का पावर 0, इंडिपेंडेंट टर्म देखना है इसलिए, और एक्स का पावर 9 माइनस 3r, जैसे हो जाएगा 0 इक्वल टू में 9 माइनस का 3r, यानी आ जाएगा 3r इक्वल टू में 9, ये जाएगा डिवाइड में r का वैल्यू 3। तो चलिए 3 रख देते हैं, यानी कि टर्म पूछ रहा है कौन सा टर्म ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3+1 4 टर्म ना जाएगा। तो यहाँ पे टर्म जो होगा, टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर टर्म जो होगा लिख सकते हैं कि टी आर 3+1, यानी कि फोर्थ टर्म टी फोर टर्म भी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स, यहाँ पे कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ ए एंड बी डिनोट रेस्पेक्टिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर एम एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, देन द राइट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^m+m, इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन जो होगा वो हो जाएगा 1+m+nCr(x)r, ये हो जाएगा आपका जनरल टर्म। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ये क्या है जी, कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर एम। तो अगर देखा जाएगा यहाँ पर एक्स का पावर एम कर दिया जाए तो कोफिशियंट क्या निकल गया, m+nCm, और बी किसको डिनोट करता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर एम, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ एन रखेंगे तो आर के जगह पे m+nCm। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन बताना। तो अब देखो, अगर इसको चाहोगे तो आप m+nCm+n-n करके देख लो क्या बन जाएगा, m+nC यहाँ m, तो ये और ये दोनों सेम ही हो जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, a b में ही रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ a एंड b आर कोफिशियंट ऑफ x का पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के एक्सपेंशन में a एंड b क्या है, कोफिशियंट x का पावर n का, तो राइट द रिलेशन बिटवीन a एंड b। या अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर जनरल टर्म ऑफ द या इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^2, तो जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 2nCr(x)r। ठीक है, यही होगा। अच्छा, अगर बात करेंगे यहाँ पर, ये जनरल टर्म हमें पता चल गया, अगर हम लोग बात करें ये क्या है, कोफिशियंट x का पावर n का, इस टर्म के लिए कोफिशियंट है किसका जी, कोफिशियंट ऑफ x का पावर n, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2nCn रख देंगे r की जगह पे n, यही ना हो जाएगा 2nCn। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x^2n-1, तो यहाँ टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 2n-1cr(x)r। अच्छा, अब इसकी अगर हम लोग बात करें x के पावर n के कोफिशिएंट, तो b से डिनोट करता है, b क्या है,
कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर एन, तो यहां से क्या आ जाएगा बी 2n माइनस 1 सी एन, यही ना हो जाएगा जी। अब ए और बी में रिलेशन निकालना, तो ए में बी से डिवाइड करके निकाल देते हैं 2n सी एन, और यहाँ पे है 2n माइनस 1 सी एन। फिर ऊपर देखते हैं 2n का फैक्टोरियल बाई में n का फैक्टोरियल, 2n माइनस n का फैक्टोरियल। नीचे देखिए 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल बाई में n का फैक्टोरियल, और 2n माइनस 1 माइनस n का फैक्टोरियल। चलिए अब इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर है 2n का फैक्टोरियल बाई में घट सब्ट्रैक्ट होगा n का फैक्टोरियल इंटू, ये ऊपर चला जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ये बाई बी का वैल्यू निकल रहा है ना, 2n इंटू में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यही रोक देते हैं। नीचे n है तो इसको n इंटू में n माइनस 1 का फैक्टोरियल कट जाएगा, इसलिए मैंने से किया स्प्लिट यहाँ पर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये आपका ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, n से n गया, तो a इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2b, a और b में यही रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पहले तो हमें पहले पता करना होगा कि इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म कौन सा टर्म होगा। तो इवन है पावर में, तो 10 बाई 2 प्लस 1 टर्म, ये इसका मिडिल टर्म होगा, यानी कि 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। तो चलिए हम लोग इसका सिक्स्थ टर्म निकाल देते हैं, t 5 प्लस का 1 क्या हो जाएगा 10 सी 5 एक्स का पावर 10 माइनस 5 1 बाई एक्स का पावर 5। तो यहाँ पे 10 सी 5 एक्स का पावर 5, यहाँ 1 बाई एक्स का पावर 5, यानी बच जाएगा आपका 10C5, यही आपका सिक्स टर्म यानी कि मिडल टर्म हो जाएगा, मिडल टर्म यही हो जाएगा 10C5। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी डिनोट द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर का पावर n एंड 1 प्लस x स्क्वायर का पावर n रिस्पेक्टिवली, यानी ए डिनोट करा इनके सम ऑफ कोफिशिएंट को और बी डिनोट करा इनके सम ऑफ कोफिशिएंट, तो ए और बी में रिलेशन निकालना। तो देखिए क्या कर रहा है, ए डिनोट कर रहा है सम ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस का 10x स्क्वायर का पावर n। तो a इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 पुट कर देंगे ना इसमें, 1 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस 10 इंटू में 1 का स्क्वायर का पावर n, अंदर हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस का 10 का पावर n, ये 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 का पावर n आ जाएगा। 8 यानी कि आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 का पावर n ही रहने दो, a इक्वल टू में क्या है 8 का पावर n है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसे 2 का पावर n का क्यूब कर दो ऐसे, ठीक है। चलिए अब b के लिए देखिए, b क्या है, सम ऑफ द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 3x प्लस 10, सॉरी इसका दिया 1 प्लस x स्क्वायर दिया है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, 1 प्लस x स्क्वायर का पावर n। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, b इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर का पावर n, तो अंदर हो जाएगा 2, 2 का पावर n। तो आप इन दोनों में देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है जी, ये इसका क्यूब हो रहा है ना जी, यानी देयरफॉर कह सकते हैं कि ये जो इक्वल है बी क्यूब के इक्वल है, समझ गया ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। पहले तो मिडिल टर्म कौन सा होगा वो पता करना होगा, मिडिल टर्म, तो देखिए इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म जो होगा पावर में इवन है, इसलिए 2n by 2 plus 1th टर्म, ठीक है, यानी आ जाएगा n plus 1th टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा। तो t n plus 1 क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2n सी एन, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x का पावर n, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे इसका लिख सकते हैं, यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ, कोफिशियंट ऑफ द मिडिल टर्म,
मिडिल टर्म का कोफिशियंट क्या है, 2nCn दिख रहा है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा द गिवन एक्सप्रेशन इज क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस वाई का क्यूब का पावर 4 to the power 7। तो इसे आप लिख सकते हैं 2x प्लस वाई क्यूब का पावर 28। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो बाइनोमियल पे पावर है 28, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 28 + 1, 29 टर्म्स होंगे, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द मिडिल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा देखिए ये पावर में ऑड है, तो इसमें दो को मिडिल टर्म होंगे, तो इसके मिडिल टर्म कौन कौन होंगे पहले वो पता कर लेते हैं, फिर क्या करें सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स। अच्छा देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं पहले इसका मिडिल टर्म कौन कौन सा हुआ है, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे से देखेंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म जो होगा, मिडिल टर्म्स इसमें दो होंगे, कौन कौन होंगे जी, एक हो जाएगा आपका 2n-1 + 1/2 एंड दूसरा हो जाएगा 2n-1 + 3/2, है ना जी, टर्म्स ये मिडिल टर्म्स होंगे, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं ये कट जाएगा, n बचेगा nth टर्म एंड ये 2 हो जाएगा प्लस का 2 कॉमन कर जाएगा n+1, ये दो मिडिल टर्म होंगे, ठीक है दो मिडिल टर्म होंगे। तो इन इन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म। तो पहले इन टर्म को हम लोग पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सम ऑफ कोफिशिएंट निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके एक्सपेंशन में nth टर्म निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2n-1 cn-1, ठीक है, एक्स का पावर n-1 ये हो जाएगा। और अगर tn+1th टर्म निकालेंगे तो हो जाएगा 2n-1 cn x का पावर n। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द कोफिशियंट ऑफ tn and tn+1th टर्म, ठीक है, इन्हीं दोनों टर्म्स के, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2n-1 cn-1 + 2n-1 cn, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हुए है ना जी कॉम्बिनेशन में, ये यहाँ पे देखिए इसे वन लेस देन और दोनों जगह सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2n cn हो जाएगा, ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, फाइंड द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर p एंड x का पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा अगर जनरल टर्म की बात करें तो पहले क्या होगा, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x का पावर p + q। तो यहाँ पे tr+1 टर्म जो होगा वह हो जाएगा p + q cr एक्स का पावर आर। तो अगर हम लोग बात करेंगे द रेशियो ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स का पावर पी एंड एक्स का पावर क्यू, तो एक्स का पावर पी यहाँ पे अगर आर की जगह पी कर देंगे तो आ जाएगा p+q cp, और एक्स का पावर क्यू कर देंगे यहाँ पर क्यू कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे कोफिशियंट p+q cq। अब इन दोनों को देखो, ऊपर या नीचे किसी को भी चेंज कर सकते हैं, p+q c, यहाँ पे p+q-p नहीं कर सकते, और y में है आपका p+q cq। ऊपर देखिए p+q c, pp से p कट गया, q बच गया, यहाँ पे p+q cq, ये दोनों जगह सेम है, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो होगा 1:1, या सिंपली आप 1 भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को देख लेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए आपको। हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा,
दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर, आरडी शर्मा सोल्यूशन, आरडी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।